हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स इन क्रिकेट में। सब मैं आपको क्रिकेट से लेकर बड़े बड़े खबरें आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिल सके। पहली बड़ी खबर का रुख करें, खबर निकल के आ रही है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच जो 22 फरवरी से T20 सीरीज शुरू होगी उससे रिलेटेड खबर निकल के आ रही है कि न्यूजीलैंड ने जो टीम का ऐलान कर दिया है। अगर बात की जाए तो मार्टिन कपटिल काफ़ी समय से इंजर्ड है और उनको भी उस सीरीज़ में शामिल किया गया है और अब मार्टिन कपटिल को एक टेस्ट देना होगा, उसके बाद ही वो 22 फरवरी से होने वाली T20 सीरीज में खेलते हुए दिखेंगे। लेकिन फिलहाल यही खबर है कि मार्टिन कपटिल को इंजरी के बावजूद उसको टीम में शामिल किया गया है और अब उसको एक टेस्ट देना होगा, उसके बाद ही वो T20 सीरीज़ में शामिल होंगे। और दूसरी बड़ी खबर का रुख करें, खबर निकल के आ रही है मोटेरा स्टेडियम के हवाले से की बड़ी खबर कि आज से मोटेरा स्टेडियम के जो भी दर्शक मैच देखने के लिए आएगा उसके लिए आज से ऑनलाइन जो टिकट की ऑनलाइन टिकट आज से शुरू हो गई है, आज से वो टिकट खरीद सकता है। यानी आज से 24 फरवरी से तीसरा टेस्ट शुरू होगा, उससे पहले ये रखा गया है 7-8 दिनों के लिए और ऑनलाइन टिकट आज से शुरू हो गई है मोटेरा स्टेडियम के लिए। और तीसरी बड़ी खबर का रुख करें, खबर निकल के आ रही है संजू सैमसन के हवाले से की बड़ी खबर। संजू सैमसन ने पहला योयो टेस्ट पास नहीं किया गया था और लेकिन अब उन्होंने एक और योयो टेस्ट दिया है और वो उस योयो टेस्ट में पास हो गए हैं और अब वो इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज़ में अवेलेबल रहेंगे। अब उनका जो T20 सीरीज़ के लिए जब चयन होगा उसके लिए उनको लिया जा सकता है। फिलहाल अभी सिलेक्शन नहीं हुई है, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक संजू सैमसन अब इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले T20 सीरीज़ के लिए अवेलेबल रहेंगे क्योंकि उन्होंने योयो टेस्ट पास कर लिया है। और चौथी बड़ी खबर का रुख करें, खबर निकल के आ रही है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो T20 सीरीज़ खेली जा रही है उस T20 सीरीज़ का दूसरा T20 भी ख़त्म हो गया। अगर बात की जाए तो साउथ अफ्रीका ने ये T20 मैच जीत लिया। अगर बात की जाए तो ज़बरदस्त गेंदबाजी डिवाइन पाइटोरियस की ज़बरदस्त गेंदबाजी, जिन्होंने 17 रन देकर 5 विकेट बेहतरीन गेंदबाजी उन्होंने की और इसके साथ ही ये मैच साउथ अफ्रीका ने जीत लिया और सीरीज़ 1-1 से बराबरी पर है और अब तीसरा T20 मैच जो जीतेगा वो इस सीरीज़ को जीतेगा। तीसरा T20 अभी खेलना बाकी है। और पांचवी बड़ी खबर का रुख करें, खबर निकल के आ रही है बांग्लादेश और वेस्टइंडीज़ के बीच जो टेस्ट मैच खेला जा रहा है उससे रिलेटेड खबर निकल के आ रही है कि मेहदी हसन मिराज पहले बांग्लादेशी क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने सबसे तेज़ 100 विकेट पूरे कर लिए हैं। इससे पहले जो बांग्लादेश की क्रिकेटर इससे कम टेस्टों में नहीं किया था और अब मेहदी हसन ने सिर्फ ये कारनामा हासिल किया है और 100 विकेट पूरे करने वाले सबसे तेज़ 100 विकेट लेने वाले वो पहले बांग्लादेशी क्रिकेटर बन गए हैं। इससे पहले बांग्लादेश के किसी भी बॉलर ने यह कारनामा नहीं किया था और अब मेहदी हसन मिराज ने सबसे तेज 100 विकेट पूरे करने वाला गेंदबाज बन गया है। और ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अच्छी वीडियो मिल सके। थैंक यू।